अरे इतना रेस्टलेस क्यों हो गए तुम लोग आ रही आवाज आ रही है जस्ट मेक इट क्लियर अब मैं दिख रही हूँ आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है बिकॉज uh, वो स्ट्रीम की का प्रॉब्लम हो जाता है वो अप्लाई होके लाइव ही नहीं जाता है इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम ठीक है आई डोंट नो तुम लोगों को सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है प्लीज कंफर्म करो नहीं अक्षय मैं बिल्कुल सीरियस नहीं हूँ अनुराग गुड आफ्टरनून साधना गुड आफ्टरनून सबको गुड आफ्टरनून कूल करो से कूल एंड देन विल स्टार्ट सो आई वेलकम यू ऑल हियर चलो वेलकम कर देते हैं सुंदर सुंदर अक्षरों से ओके okay? दिख रही हूँ आवाज भी क्लियर आ रही है आई एम सो हैप्पी तुम लोग यहाँ क्लास अटेंड कर रहे हो ऑल क्लियर ओके सो वन थिंग जो मैं तुम लोगों को बताना चाह रही हूँ वो ये है कि वट आई हैव केप्ट एज अ टारगेट जो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी तुम लोगों के साथ शेयर किया है आई डोंट नो तुम लोग कितने लोग टेलीग्राम देखते हो नहीं देखते हो लेकिन इसलिए मैं यहाँ पे भी इसको मेंशन कर रही हूँ हम शॉर्ट सेशंस लेंगे लेकिन हम मल्टीपल सेशंस लेंगे फर्स्ट first, फर्स्टली तो अभी एक क्लास है इसके बाद नेक्स्ट क्लास होगी थ्री थर्टी पे ठीक है तो दो क्लासेस तो यही हो गई रात को भी मैं एक या दो क्लास तो लूंगी ही डेफिनेटली ठीक है तो हाँ स्क्रीन ब्लैंक हो रखी है प्रियंका मेरी बात तो सुनो इतने अच्छे से वेलकम कर रही हूं मैं तुम्हें तुम वेलकम पे ध्यान ही नहीं दे रही हो ओके okay. तो दूसरी चीज विच इज इम्पोर्टेंट इज कि मैंने आज का टारगेट रखा था कि हम यूनिट टेन कंप्लीट करेंगे यूनिट टेन कंप्लीट कर देंगे देखो क्रैश कोर्स है बीस दिन बचे हुए हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक एक सब्जेक्ट को इतना लंबा लंबा एक-एक टॉपिक को इतना खींचे okay? तो यूनिट टेन कंप्लीट करने के लिए मैं जो स्टार्ट करूंगी दिस लेक्चर वुड डील विद योर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कमीशन ऑल्सो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन तो एनसीएससी एनसीएसटी एंड एनसीबीसी ओके दीज विल बी द टॉपिक्स जो हम अभी के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे इसके बाद थ्री थर्टी वाले लेक्चर में वी विल बी डूइंग इंफॉर्मेशन कमीशन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ठीक तो उसके अलावा अगर तुम लोगों को झेलने का है कि हाँ हम झेल सकते हैं देन वी कैन ऑल्सो गो विद इलेक्शन कमीशन स्टेट इलेक्शन कमीशन यूपीएससी कॉम्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ओके okay, ये चीज भी हम कंप्लीट कर सकते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि फुल ऑन चार्ज रहो एंड जैसा कि अक्षत कह रहा है धमाकेदार शुरुआत करते हैं वी विल बी स्टार्टिंग विद दीज और फुल अप रहो यार टाइम नहीं है एकदम जोश में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बिकॉज शॉर्ट सेशंस लेने हैं मल्टीपल सेशंस लेने हैं तो वी विल बी स्टार्टिंग विद यूनिट टेन एम बी पी एस सी के सिलेबस का यूनिट टेन विच इज रिलेटेड टू नेशनल एंड रीजनल कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडीज टू द पॉइंट बात करेंगे फालतू तो इधर उधर नहीं घूमेंगे काम की चीज एंड क्वेश्चन लगाएंगे जैसा कि कल मैंने तुम लोगों को बोला था कि मैक्सिमम क्वेश्चन लगाओ एंड रिवाइज करो तो तुम लोग लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो मैं आज यहाँ पे तुम लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी ओके okay? लेट अस स्टार्ट ओके ये देखो यहां से एनसीएससी स्टार्ट हो रहा है एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो है वो ये है कि इन नोट्स की तो मैं खुद अपनी फैन हो गई थी ओके okay, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है जब मैं ऐसे बोल देती हूं तो तो ये नोट्स बहुत अच्छे हैं मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि इसमें काम की चीजें होती हैं टू द पॉइंट होती है और एक टेबल फॉर्म में होती है टेबल फॉर्म में यहां बैठ जाती है ओके ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें याद हो जाती है ओके okay, अब तुम लोग थोड़ा पॉज हो जाओ कमेंट पे हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं जिसको अगर कुछ डाउट है तो मैं बीच में पूछूंगी तब मुझे मुझसे पूछ लेना डाउट्स इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है जो यहाँ सेशन में क्लियर नहीं हो पाता है तो डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल पे पहले तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और मेल कर लेना कोई भी डाउट हो तो वी आर स्टार्टिंग विद दिस इंस्टीट्यूशन विच इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एस सी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए कमीशन है इसकी बात कर रहे हैं सबसे पहले तो ये काफी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सालों में काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल इशू हो जाएगा फॉर द फैक्ट कि हैज़ बिकम एक ऐसा टूल जिससे काफी ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है ओके okay, बट उन सब चीजों पे हम नहीं जाते हैं काम की चीज देखो एनसीएससी की बात करते हैं एनसीएससी के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले आपको ये जानना है कि बॉडीज कुछ जो बॉडीज होती हैं दे आर अगर मैं डिवाइड करूं तो तीन टाइप की बॉडीज होती हैं यू हैव थ्री टाइप्स ऑफ बॉडीज ओके ये जो तीन टाइप्स ऑफ बॉडीज हैं एक हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशनल ओके कॉन्स्टिट्यूशनल एक हो गया नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड द लास्ट वन इज योर स्टैट्यूटरी बॉडी स्टैटरी बॉडी मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि स्टैट्यूटरी मतलब ऐसी कोई भी बॉडी जो किसी स्टैट्यूट से यानी कि किसी लॉ से किसी कानून से बनी है उसको हम स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या हुई जिसका मैंशन कॉन्स्टिट्यूशन में है जिसका मैंशन ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में है तो दैट बिकम्स योर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो अभी यहाँ पे हम जो बॉडी पढ़ने वाले हैं ये नोट्स दो तीन पेज के नोट दो पेज के दो तीन पेज के नोट्स हैं एस सी एस टी और uh, ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ऑलमोस्ट सिमिलर है तो ये नोट्स अगर पढ़ लोगे एक बार और दस दस क्वेश्चन लगा लिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें तो कोई भी रोक सकता है सारे क्वेश्चन सही करने से ये मेरी गारंटी है जिसमें मैं नाइनटी नाइन हंड्रेड परसेंट गारंटी ले रही हूँ ओके सो एनसीएससी की बात करेंगे फैक्ट्स देखो आर्टिकल थ्री थर्टी एट आर्टिकल थ्री थर्टी एट की बात करी हमने थ्री थर्टी एट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर थ्री थर्टी एट इसके बाद अगर मैं क्वासी जुडिशियल बॉडी बोलू इसको ये एक फाइनेंस कमीशन क्वासी जुडिशियल को छोड़ दो ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी तुम्हें तो अभी आर्टिकल थ्री थर्टी एट यहाँ बिठा लो थ्री थर्टी एट बैठ गया आर्टिकल 338 इसके बाद व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज इसका कॉम्पोजिशन इसमें पांच लोग हैं पांच लोग होते हैं एक हो गया आपका चेयरमैन एक हो गया वाइस चेयरमैन और बाकी तीन आपके अदर मेंबर्स तो कॉम्पोजिशन की बात की जाए विच इज फाइव पांच लोग हैं पांच लोग हैं यहाँ पे इसके बाद इनके टेन्योर की बात करते हैं जो ये कॉम्पोजिशन में पांच लोग हैं इसके टेन्योर की बात करते हैं इनका टाइम पीरियड टेन्योर टर्म कितना है ओके okay? तो इनके टेन्योर की अगर मैं बात करूं तो देव इस इनका जो कंडीशन ऑफ टेन्योर एंड टर्म है दैट इज डिटमाइंड बाय द प्रेसिडेंट ये प्रेसिडेंट डिसाइड करता है ओके एंड एज ऑफ नाउ इट इज थ्री इयर्स लेकिन इनका जो टर्म है ये आपका प्रेसिडेंट डिसाइड करता है यार यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है लैग कर रहा है लैग कर रहा है कि नहीं कर रहा है एक बार कंफर्म करो प्लीज क्योंकि मेरे दूसरे स्ट्रीन पे प्रॉब्लम आ रही है इज इट फाइन इज इट फाइन तुम लोग सुन भी रहे हो कि नहीं सुन रहे हो कोई कमेंट ही नहीं कर रहा है?

या It has to be definitely गलत रहेगा रहेगा? ये। ये क्यों क्योंकि में mentioned नहीं है है। साल का करता राष्ट्रपति राष्ट्रपति भारत के करते हैं कि उनका टेन्योर कितना लंबा होगा ओके सो दीज द थ्री फैक्ट्स अपॉइंटमेंट कौन करता है अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है रिमूवल कौन करता है प्रेसिडेंट करता है रेजिग्नेशन किसको देते हैं प्रेसिडेंट को देते हैं okay? तो यहां पे हमने ये तीन चीजें ये तीन फैक्ट्स यहां पे देख ली ओके ये हो गया हमारा अपॉइंटमेंट रिमूवल एंड रेजिग्नेशन तीनों चीजें आपकी प्रेसिडेंट uh, से रिलेटेड है ये अपॉइंट इनको प्रेसिडेंट करता है रिमूवल इनका प्रेसिडेंट uh, करते हैं एंड रेजिग्नेशन ये देते हैं अगर तो प्रेसिडेंट को देते हैं अब यहाँ पे फोकस करो इवोल्यूशन की प्रोसेस में कि कैसे ये नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड कास्ट के लिए नेशनल कमीशन कैसे आया इसके पीछे का प्रोसेस क्या है कौन कौन सी चीज इससे रिलेटेड है ये सारी चीजें ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है ओके okay? तो यहां पे देखो सबसे पहले हमने बात करी आर्टिकल 338 की हमारे संविधान का आर्टिकल 338 कहता है कि एक ऑफिस ऑफ कमिश्नर होना चाहिए फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब नोटिस करिए कि यहां पे 338 इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो पहले की बात कर रही हूं मैं ओके okay? तो पहले आपका जो आर्टिकल 338 है वो एससी और एसटी दोनों के लिए ऑफिस ऑफ कमिश्नर की बात करता है दोनों के लिए एससी के लिए भी और एसटी के लिए भी इसके बाद 1978 में क्या होता है 1978 में आपकी जो गवर्नमेंट रहती है वो एक रेजोल्यूशन लेके आती है वो एक रेजोल्यूशन लेके आती है और बोलती है एक मेंबर कमीशन स्टेब्लिश करना है मल्टी मेंबर कमीशन स्टेब्लिश करना है फॉर एस सीज एंड फॉर एस टीज ये सेवनटी एट में हो गया ओके सेवेंटी एट के बाद सीधे नाइन्टी पे आ जाओ नाइनटीन नाइनटी की बात करते हैं तो उन्नीस सौ नब्बे में क्या हुआ उन्नीस सौ नब्बे में आपका सिक्सटी फिफ्थ अमेंडमेंट ये रट लो सिक्सटी फिफ्थ अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्सटी फिफ्थ अमेंडमेंट आता है ये जो सिक्सटी फिफ्थ अमेंडमेंट है ये बोलता है कि मल्टी मेंबर आपके लिए कमीशन uh, आएगा फॉर एस सीज एंड एस टीज मल्टी मेंबर देखो यहाँ पे आपका रेजोल्यूशन आया था सेवेंटी एट में नाइनटीन नाइनटी यानी उन्नीस सौ नब्बे की मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पे एक पूरा अमेंडमेंट ला दिया गया है आपके संविधान में पूरा एक अमेंडमेंट ला दिया है दैट सेज कि एक मल्टी मेंबर बॉडी होनी चाहिए फॉर एस एंड एस टीज नोटिस करिए पे एससी और एस दोनों के लिए एक मल्टी मेंबर बॉडी लाने की बात की जा रही है दोनों के लिए एक मल्टी मेंबर बॉडी लाने की बात कर रहे हैं जितना मैं समझा रही हूँ सिर्फ उतना सुनो उतना पढ़ो उसके आगे पीछे कोई लाइन पर ध्यान मत देना ओके यहाँ पे सिक्सटी फिफ्थ अमेंडमेंट जो 1990 में आया दैट सेड कि मल्टी मेंबर बॉडी होनी चाहिए फॉर एससी एंड फॉर एसटी मल्टी मेंबर यानी कि बहुत लाइक ज्यादा नंबर ऑफ पीपल होने चाहिए अकेले सिंगल मेंबर बॉडी नहीं होनी चाहिए ओके तो एससी और एसटी के लिए एस्टैब्लिशमेंट के लिए आपके लिए एक सिंगल बॉडी लाने की बात हुई अब ये तो 1990 की बात हो गई 1990 के बाद जब हम 2003 में आते हैं तो 2003 में हमारे पास एक नया अमेंडमेंट आया ये अमेंडमेंट था एट्टी अमेंडमेंट एटी नाइन्थ अमेंडमेंट एक्ट आया था ये जो एटी नाइन्थ अमेंडमेंट एक्ट है इसने क्या किया यहाँ पे जो ऊपर एस और एस के लिए एक सिंगल बॉडी आई थी उसको उसको कर दिया उसको अलग कर दिया तो 2003 में हमारे पास, हमारे पास पास नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट अलग हो गया एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब अलग हो गया ये दोनों अलग हो गए नाउ मैं इसको आपके लिए एक बार समराइज कर रही हूँ पहले आर्टिकल 338 था कॉन्स्टिट्यूशन का जिसने ऑफिस ऑफ कमिश्नर की बात करी बोथ एस के लिए भी और एस के लिए भी इसके बाद एक रेजोल्यूशन आया जिसने बोला कि एक मेंबर बॉडी कर देनी चाहिए फिर से दोनों के लिए फिर 1990 1990 में सिक्सटी फिफ्थ अमेंडमेंट आ गया ये जो पैंसठवा अमेंडमेंट था इसने बोला कि हम मल्टीमेंबर बॉडी स्टैब्लिश कर देते हैं ये पूरा एक अमेंडमेंट आ गया एस सीज दोनों के लिए अब इस इस बॉडी को डिवाइड कर दिया गया अलग अलग कर दिया गया बाइफ़र्केट कर दिया गया 2003 में इन दी एटी नाइन्थ अमेंडमेंट तो एटी नाइन्थ अमेंडमेंट और सिक्सटी फिफ्थ अमेंडमेंट में क्या डिफरेंस है ये इम्पोर्टेंट हो गया दोनों के ईयर इम्पोर्टेंट हो गए एंड दोनों का नंबर ऑफ अमेंडमेंट ये इंपॉर्टेंट हो गया ओके okay, यहां पे एक पॉइंट दिया है कि फर्स्ट एनसीएससी वू थाउजेंड फोर आप देख रहे हो कि टू थाउजेंड थ्री में इनको बाइफोकेट किया गया एनफोर्स में यानी कि पहला एनसीएससी आपका दो हजार चार में आया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सूरज भान सूरज भान जो थे इसके चेयरमैन थे ओके okay, इतना समझ आया कि नहीं आया कोई भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट करके आप पूछ लो अंजलि Any यादव ये आपके नोट्स हैं क्या ऐसे ही समझ लो मेरे नोट्स हैं या मेरे नोट्स थे या किसी और के भी हो सकते हैं तुम लोग कोई डाउट्स ही नहीं पूछ रहे हो जल्दी पूछो सो रहे हो क्या सब नो डाउट्स डेफिनेटली ओके सुपर कूल परफेक्ट आगे बढ़ते हैं वी हैव द फंक्शन देखो मैं यहाँ पे फंक्शन का एक ओवरव्यू दूंगी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी मेन्स से एक बार इंपॉर्टेंट हो सकता है लेकिन प्रिलिम्स परसपेक्टिव से क्या चार फंक्शन दे दिए बोला इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है तो एक बार रीड करने में कोई नुकसान नहीं है शॉर्ट क्लासेज है तीन कमीशन सीधे सीधे कंप्लीट हो जाएंगे तो एक बार इसको सुन लो बस सुन लो रटना नहीं है ओके okay? फंक्शंस की बात करिए टू वेरीफाई द प्रपोज्ड इंक्लूजन ऑफ एनी कास्ट किसी भी कास्ट का लिस्ट ऑफ एन सी एस सी एन सी एस सी की लिस्ट में किसी भी कास्ट का इंक्लूजन अगर करना है तो उसको वेरीफाई करने का काम कौन करता है एनसीएससी करता है मैं सिर्फ हाईलाइटेड क्योंकि इंपॉर्टेंट है उनकी बात कर रही हूँ तुम लोगों को ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो ये पढ़ लेना जब पी डी एफ दे दूंगी तो ये पढ़ लेना ओके इंक्वायर इन टू स्पेसिफिक कंप्लेन कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंप्लेन अगर आती हैं रिलेटेड टू शेड्यूल्ड कास्ट की राइट्स तो ये स्पेसिफिक कंप्लेन से एन डील करता है इसके बाद अगर कुछ प्लानिंग प्रोसेस ऑफ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोई भी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर एस का यार एनसीएससी है तो एस के ही चीजों से डील करेगा ना तो एन जो है वो अगर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट की प्लानिंग प्रोसेस से रिलेटेड है उससे रिलेटेड एडवाइस देता है एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीएससी हैज टू Has to, देना ही पड़ता है रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट एक एनुअली एनसीएसिडेंट को देता ही है एंड रिपोर्ट है प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में ले डाउन करता है तो रिपोर्ट एन सी एस सी पार्लियामेंट को नहीं देता है एन सी एस सी प्रेसिडेंट को देता है एंड इट इज द प्रेसिडेंट जो पार्लियामेंट में देता है ऐसा समझ लो सिंपल भाषा में ओके okay? इसके बाद इवेलुएटिंग द प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एससीज की क्या प्रोग्रेस है क्या डेवलपमेंट उनका रहा है उसको भी ऑब्वियसली कौन करेगा मैं तुम तो नहीं करेंगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ही करेगा इतना हो गया इसके बाद देखो प्रेसिडेंट विल प्लेस द रिपोर्ट बिफोर टू हाउसेस तो हमने रिपोर्ट की बात रिपोर्ट की बात करी तो रिपोर्ट एनसीएससी ने प्रेसिडेंट को दी प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को दोनों हाउसेस के सामने रखेगा ओके और अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है प्रेसिडेंट में फॉरवर्ड रिपोर्ट्स रिलेटिंग टू स्टेट टू द गवर्नर एनसीएससी जो है वो इवन स्टेट्स से रिलेटेड भी रिपोर्ट्स बनाता है और वो रिपोर्ट एनसीएससी प्रेसिडेंट को सबमिट करता है जो प्रेसिडेंट गवर्नर को देता है एंड गवर्नर जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर में देता है यानी कि अगर एनसीएससी है तो वो किसी राज्य से रिलेटेड भी कोई रिपोर्ट बना सकता है उस रिपोर्ट को एन जो है आपका राष्ट्रपति को देगा राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को आपके गवर्नर को देगा यानी कि राज्यपाल को देगा और राज्यपाल उस रिपोर्ट को राज्यपाल उस रिपोर्ट को आपकी स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रखेगा समझ आ गया इतना दिस इज ऑल रिगार्डिंग द रिपोर्ट विच इज इंपॉर्टेंट ओके अगली पावर्स ऑफ एनसीएससी की बात करते हैं तो ये चीज ध्यान रखो कि इनके पास एक सिविल कोर्ट की पावर होती है क्रिमिनल कोर्ट की पावर नहीं होती है क्रिमिनल कोर्ट की अगर मैं बात करूं तो क्रिमिनल कोर्ट की पावर एन के पास नहीं होती है दे ओनली हैव द पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट ओके सिविल कोर्ट की पावर होती है इसके बाद अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट पॉइंट की तो ये देखिए सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स यानी कि आपकी सेंटर गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों आर रिक्वायर्ड दे हैव टू कंसल्ट एनसीएससी एनसीएससी से कंसल्ट करने की जरूरत है ऑन ऑल द मेजोरिटी पॉलिसी मैटर्स ऐसी कोई भी पॉलिसीज जो शेड्यूल कास्ट को अफेक्ट कर रही हैं ऐसी कोई भी पॉलिसीज जो शेड्यूल कास्ट को अफेक्ट कर रही हैं

बट पहले एनसीएससी ही इस इन वर्क्स इन को देखता था इन फंक्शंस से डील करता था इसके बाद यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एक समरी तरीके के लिए समझ लो क्योंकि जब लेक्चर खत्म करोगे और दोबारा इसको पढ़ोगे तो तुम्हें ये जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं ये अपने आप समझ में आने लगेंगे अभी दिक्कत हो सकता है हो बाद में नहीं होगी तो एस के लिए शेड्यूल्ड कास्ट के लिए जो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है सेंटर में दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस सोशल जस्टिस वाली जो मिनिस्ट्री है वो शेड्यूल्ड कास्ट से रिलेटेड है एंड शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड वी हैव द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ट्राइबल अफेयर्स आपका ST से डील करेगा एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस जो है वो शेड्यूल कास्ट से डील करेगा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीलिंग विद द अफेयर्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट तो मिनिस्ट्री शेड्यूल्ड कास्ट से डील करने के लिए मिनिस्ट्री जो है दैट इज योर सोशल जस्टिस की मिनिस्ट्री ओके okay? इसके बाद इस पॉइंट को देखिए एनसीएससी का आर्टिकल देखो थ्री थर्टी एट अभी मैंने बताया आगे हम एनसीएसटी पढ़ेंगे दैट इज एनसी बी सी जो अभी रिसेंटली एक सौ दो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से पढ़ाया गया ये मैं तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ एक्ट दैट इज योर आर्टिकल थ्री थर्टी एट बी आर्टिकल थ्री थर्टी एट बी जो है ये आपका एनसी बी सी से रिलेटेड है एंड दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज मेड एनसी बी सी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा दे दिया गया है ओके okay? ये चीजों के बाद अनदर फैक्ट विच इज इम्पॉर्टेंट अनदर फैक्ट विच इज इम्पॉर्टेंट इज दिस कि अगर मान लो रिजर्वेशन का क्वांटम अमाउंट परसेंटेज इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है रिजर्वेशन का तो दिस इज नॉट डन बाय एनसीएससी एनसीएससी ये काम नहीं करता है कि शेड्यूल कास्ट को ज्यादा परसेंटेज रिजर्वेशन मिलना चाहिए कम मिलना चाहिए कितना मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए ये एनसीएससी नहीं डिसाइड करता है दिस इज डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ये जो आपका डी और एम है ये डिसाइड करता है ओके okay? इतने फैक्ट्स क्लियर हुए कि नहीं हुए इतने फैक्ट्स रिगार्डिंग एनसीएससी क्लियर हुए कि नहीं हुए ये बताओ एंड अगर ये फैक्ट्स क्लियर हैं तो मतलब तुम्हारा एनसी एस सी भी हो गया एनसी एस टी भी हो गया एंड तुम्हारा एन सी बी सी भी इजिली हो जाएगा और अगले बीस मिनट के अंदर तुम लोग बीस क्वेश्चन सही करोगे ये मेरी गारंटी है चलो बताओ जल्दी मी टेल मी क्लियर वेरी गुड दैट्स रियली गुड ठीक है तो अब एनसीएसटी पे आ जाते हैं ऑलमोस्ट मैंने बोला ऑलमोस्ट नाइन्टी परसेंट चीजें तुम्हें सेम मिलेंगी नाइनटी परसेंट चीजें तुम्हें सेम मिलेंगी और अगर ये पीडीएफ तुमने पढ़ ली दो बार तो नाइन्टी परसेंट नहीं हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन सही करके आओगे इन टॉपिक्स के मेरी गारंटी है ओके okay? आर्टिकल नोट पे देखो नोट आर्टिकल थ्री थर्टी से थ्री फोर्टी टू तक थ्री थर्टी से थ्री फोर्टी टू तक जो हैं, ये डील करते हैं किससे रेजर्वेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एस सीज एंड एस टीज इन लोकसभा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि थ्री थर्टी से थ्री फोर्टी टू के बीच के जो आर्टिकल के रेंज है ये किससे डील करती हैं सुप्रीम कोर्ट से डील करेंगे इलेक्शन कमीशन से फलाना ठिकाना से सो इट डील्स विद रिजर्वेशन एंड रेप्रेजेंटेशन एस सी एस टी का okay? इन लोकसभा है कि मैं रिवाइज कर रहा हूं जब लेक्चर आ जाएगा तो इसको टू एक्स में देख लेना perfectly. Okay? बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मेरा गला चला गया तो क्लास नहीं हो पाएगी एनसीएसटी एन सी एस सी में देखा था आर्टिकल थ्री थर्टी एट एनसीएसटी में देखेंगे आर्टिकल थ्री थर्टी एट ए और एनसीबीसी हो जाएगा थ्री थर्टी एट बी ओके अब देखो की बात करें अगेन वी हैव फाइव चेयरमैन चेयरमैन वाइस एंड थ्री अदर मेंबर्स ओके यहाँ पे देखो कि चेयरमैन की जो रैंक होती है ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है याद कर लो तो अच्छा ही है चेयरमैन की जो रैंक होगी दैट वुड बी अ रैंक ऑफ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ये यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक होगी इसको ओके वाइस चेयरमैन की बात करेंगे तो इसके पास एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट की रैंक होगी थ्री अदर मेंबर्स की बात करेंगे तो सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये इनकी तीन रैंक्स हैं कि इनको अगर हम कंपेयर करें तो इनकी रैंक किससे कंपेरेबल है ओके सो दिस इज जस्ट एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये इसके लिए भी है ये एनसी के लिए भी है और ये एनसी के लिए भी है ओके <laughs> okay, समझ आया नेक्स्ट अगेन द सेम थिंग इनका टेन्योर और टर्म कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में नहीं दिया हुआ है ये टर्म प्रेसिडेंट डिसाइड करता है इट इज एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ये प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा एंड प्रेसिडेंट ने यानी कि राष्ट्रपति ने प्रेजेंटली इसको तीन साल का टेन्योर तीन साल का टर्म डिसाइड करके रखा है नेक्स्ट वी टॉक अबाउट अपॉइंटमेंट रिमूवल एंड रेजिग्नेशन अगेन इट इज द प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट रिमूवल एंड रेजिग्नेशन रेजिग्नेशन ये तीनों चीजें जो है ये प्रेसिडेंट से रिलेटेड है ये प्रेसिडेंट से रिलेटेड है अब हमने क्योंकि देखा अब हम इवोल्यूशन पे फोकस करते हैं जब हम एन सी एस सी हमने देखा तब हमने देखा कि एन सी एस सी और एन सी एस टी को अलग किया गया था बाद में ओके मतलब इनिशियली ये सेम थे तो इनिशियली इनकी हिस्ट्री जो रही होगी वो भी तो सेम रही होगी सिंपल 338 था फिर एक रेजोल्यूशन आया कि मल्टी मेंबर बॉडी स्टैब्लिश करो 1990 में सिक्सटी अमेंडमेंट आ गया उसने बोला कि मल्टी मेंबर बॉडी एनसीएसटी के लिए स्टैब्लिश कर देते हैं पूरा एक एक्ट ही लेके आ गया वो फाइनली एक चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम एनसीएसटी यानी कि ट्राइब्स की बात कर रहे हैं तो नाइनटीन ईयर यहाँ बिठा लो नाइनटीन में आपकी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर फॉर्म हुई मैंने बताया था कि इनिशियली सोशल जस्टिस की मिनिस्ट्री ही डील करती है करती थी ओके okay, जब ये डिवाइड हुआ तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स फॉर्म हो गई 1999 में ओके okay, एंड 2003 में हमने देखा कि बाइफोकेट हो जाता है एनसीएससी दो उसमें एनसीएससी एंड एनसीएसटी बाय द एटी नाइन्थ अमेंडमेंट बाय द एट्टी नाइन्थ अमेंडमेंट ओके फंक्शंस की यहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे लेकिन उससे पहले बताओ कि इतना समझ में आ गया ऑलमोस्ट सेम ही चीजें थी यार कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए समझ में आ गया इतना कूल वेरी कूल कुछ तो करो ओके दैट्स रियली परफेक्ट लेट्स मूव अहेड अब फंक्शन की बात करते हैं तो देखो शेड्यूल्ड कास्ट का क्योंकि सोशल स्टेटस अलग है वीडियो रुक रुक के चल रहा है वैशाली सिंह वीडियो रुक के चल रहा है आई यू श्योर यस मैम क्यों कर रहे हो समझ आने पे कर रहे हो कि वीडियो नहीं चल रहा उस पर कर रहे हो I hope there is no problem. They are almost symmetrical. Okay. So let me concentrate on the functions now. अगर हम functions की बात करते हैं तो इसको हम detail में read करेंगे क्योंकि functions यहाँ पे थोड़े से different है फंक्शंस यहाँ पे थोड़े से डिफरेंट हैं क्यों क्योंकि शेड्यूल कास्ट का सोशल स्टेटस अलग है शेड्यूल ट्राइब का सोशल स्टेटस अलग है ओके okay, तो दे हैव टू बी डिफरेंट फंक्शंस की अगर हम बात करें तो ये उन सारे मैटर्स से डील करेगा जो शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है वेरी ऑब्वियस इसके बाद ये सारी वो कंप्लेन देखेगा जिनमें शेड्यूल ट्राइब्स की कुछ राइट्स पे दिक्कत आ रही है ठीक है इसके बाद सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें अगर हम एसटीज से एसटीज की तो उन पे एडवाइस करने की बात है तो एनसीएसटी डील करेगा ठीक है इसके बाद अगर हम बात करें तो आल्सो डिस्चार्ज सम फंक्शन एज द प्रेसिडेंट मे स्पेसिफाई यहाँ पे देखो प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर है नेशनल की ये वो है ना हम कमीशन की बात करें नेशनल लेवल की तो प्रेसिडेंट हैज अट्रांग होल्ड हियर ओके तो प्रेसिडेंट अगर कोई और फंक्शन बताएगा तो दैट वुड ऑल्सो बी डिस्चार्ज इसके बाद हम रिपोर्ट की बात करते हैं सेम रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देगा कौन देगा एनसीएसटी देगा और वो रिपोर्ट को फिर प्रेसिडेंट यानी कि आपके जो राष्ट्रपति हैं वो पार्लियामेंट में टेबल करेंगे एंड सिमिलर अगर किसी और स्टेट जैसे हमने एनसीएससी में देखा था अगर किसी और स्टेट की रिपोर्ट है तो गवर्न प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर को देगा एंड गवर्नर जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर में देगा ओके okay? ट योर रिपोर्ट ऑल्सो पावर्स की बात करें अगेन दे हैव पार ऑफ अल्ट सिविल कोर्ट की पावर है क्रिमिनल कोर्ट की पावर नहीं है क्रिमिनल कोर्ट की पावर नहीं है दे कैन समन बुला सकते हैं एंड एनफोर्स अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन अगर कोई इशू है कोई प्रॉब्लम है जिससे कोई केस से लोग डील कर रहे हैं एन सी एस टीज तो इनके पास एक सिविल कोर्ट की पावर है ये किसी भी इंसान को एक नोटिस दे के अपने पास बुला सकते हैं ओके okay? इसके बाद अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट अदर फंक्शन की ये फंक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरा पिंक ही रंग गया है ये ओके आई विल चेंज द कलर वेट तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये फंक्शन इम्पोर्टेंट है ध्यान से सुनना हो सकता है बाद में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो एन सी एस टी जो है ये अदर फंक्शन एज स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट अभी मैंने ऊपर तुमको बताया था कि इट मे ऑल्सो डिस्चार्ज फंक्शन एज द प्रेसिडेंट मे स्पेसिफाई एज द प्रेसिडेंट मे स्पेसिफाई ओके तो ये प्रेसिडेंट जो है ये यहां पे स्पेसिफाई कर देता है इतना स्पेसिफाई स्पेसिफाई क्या प्रेसिडेंट ने बोला 2005 में लो यार मैं स्पेसिफाई कर ही देता हूं तुम लोगों को बड़ी दिक्कत है ओके okay? तो प्रेसिडेंट uh, जो है वो फाइनली 2005 में कुछ फंक्शंस स्पेसिफाई कर देता है ये जो फंक्शंस हैं ये क्या फंक्शंस हैं ये फंक्शंस हैं कि वो बोलते हैं

डील तो 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 कर लेगा फॉरेस्ट की बात हो गई मिनरल रिसोर्सेज की बात हो गई जो हम जानते हैं कि ट्राइब्स ट्राइब्स के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा उनको दिक्कत यही होती है कि हम लोग उनको अफेक्ट कर रहे हैं उनको चैन से जीने नहीं दे रहे हैं उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो यहाँ पे मिनरल और फॉरेस्ट रिसोर्सेज की बात हो गई यहाँ पे मिनरल एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज की बात हो गई तो ये दोनों चीजें एनसीएसटी डील करता है राजा आई विल आंसर योर क्वेश्चन थोड़ी देर बाद पूछना प्लीज लेट मी कंप्लीट दिस ओके ट्राइबल्स के डेवलपमेंट से रिलेटेड है तो अगेन ये फंक्शन यहाँ पे हो गया इसके बाद अगर बात करें कि रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कई बार हम देखते हैं कि ट्राइब मान लो जैसे एग्जाम्पल देती हूँ डैम बनाने के लिए फॉरेस्ट क्लियर कर दिया ट्राइबल्स को रीलोकेट करने की बात हुई फलाना डिकाना ये सब वगैरह हुआ तो इनकी रिलीफ और रिहैबिलिटेशन मेजर्स के लिए ट्राइबल्स के किसके ट्राइबल्स के ये भी एनसीएसटी का, का काम है ये भी एनसीएसटी देख सकता है ओके इसके बाद प्रिवेंटिंग देर एलिनेशन प्रिवेंटिंग एलिनेशन इसके बाद अगर बात करें तो ट्राइबल कम्युनिटीज हम जानते हैं कि बहुत ज्यादा नेचर से क्लोज होते हैं दे हैव वेज ऑफ डीलिंग विद नेचर कुछ क्लैमिटीज से डील करने के लिए कोई तबाही आ जाए आपदा आ जाए तो उन सिचुएशंस में डील करने के लिए शायद हम उतने अच्छे से नहीं डील कर पाएंगे लेकिन वो कर लेंगे ओके okay? तो एनसीएसटी जो है इट ऑप्टेन्स मैग्जिम कोऑपरेशन कोऑपरेशन और इन्वॉल्वमेंट ट्राइबल कम्युनिटीज का फॉर प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट कि फॉरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए ये शायद मेरे और तुमसे ज्यादा अच्छे से वो बता पाएंगे तो उनके कोऑपरेशन और इन्वॉल्वमेंट की अगर बात है उनके कोऑपरेशन और इन्वॉल्वमेंट की अगर बात है तो उससे भी एन डील कर लेता है ये प्रेसिडेंट के कहने पर दो में इसके बाद एन सी एस टी हैज टू ऑल्सो इंश्योर एनसीएसटी हैजू ऑल्सो इंश्योर की इम्प्लीमेंटेशन हो पूरा किसका इम्प्लीमेंटेशन हो पेसा एक्ट नाइनटीन नाइनटी सिक्स का पेसा एक्ट जो है आपका उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो पूरा इम्प्लीमेंटेशन हो अब कुछ लोग मुझसे पूछेंगे कि पेसा पेसा का फुल फॉर्म क्या है पेसा इज योर प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज मतलब शेड्यूल एरियाज में एक्सटेंड करना किसको extend करना? Areas में extend करना, किसको एक्सटेंड 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 करना 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 शेड्यूल एरियाज में प्रोविजन रिलेटेड टू पंचायत दिस दिस वॉज योर एक्ट ऑफ नाइनटीन नाइनटी सिक्स दिस वॉज योर एक्ट ऑफ नाइनटीन नाइनटी सिक्स तो इसके पूरे इम्प्लीमेंटेशन के रिलेटेड भी जो काम है ये एनसीएसटी देखता है इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि ये रिड्यूज करना है और अल्टीमेटली एंड करना है मतलब धीरे धीरे कम करना है और फिर पूरा खत्म कर देना है किसको शिफ्टिंग कल्टिवेशन की प्रैक्टिस को शिफ्टिंग कल्टिवेशन को और क्या बोलते हैं हिंदी uh, में क्या बोलेंगे शिफ्टिंग कल्टिवेशन को वो झूमिंग वगैरह की जो प्रैक्टिस होती है ना शिफ्टिंग कल्टिवेशन एक जगह पे कल्टिवेशन किया फिर आपने उस जगह पे आग लगा दी देन यू मूव टू द नेक्स्ट प्लेस तो ये जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन की प्रैक्टिस हैं इनको कम करना और फाइनली खत्म कर देना ये भी एनसीएस का काम है तो एन के कुछ अलग से काम हैं जो ट्राइबल्स और फॉरेस्ट से रिलेटेड है जो एन से अलग है ये आपको ध्यान रखना है इतना समझ आ गया इतना समझ आ गया देन टेल मी वी विल मूव अहेड क्योंकि दिस कम्पलीट्स योर एनसीएससी एंड एन सी एस टी ओके okay, इसके बाद एनसीबीसी बी सी पढ़ेंगे एंड देन वील डू सम क्वेश्चन विच यू ऑल वुड लव क्योंकि तुम लोगों को बनेंगे ओके okay? स्थानांतरित खेती ठीक है चलो Next, we move to, to, move to NCBC. अगर अगर की बात करनी है, है, तो तो मैं तुम्हें तुम्हें पूरा बता चुकी हूं। अगर तुम्हें पढ़ना है, तो इसको पढ़ लेना. बट वॉट आई विल टेल यू नाउ इज जस्ट अ सेकेंड मैंने एक नोट्स बना के रखे थे तुम्हारे लिए okay, ठीक है. सबसे पहले तो मूविंग अहेड इसके पहले हम लोग ओके uh, okay, राजा का क्वेश्चन क्या था यहाँ पे गवर्नमेंट थ्रू अ रेजोल्यूशन सेटअप नॉन स्टैट्यूटरी मल्टीमेंबर बॉडी वाई रिटर्न नॉन स्टैट्यूटरी गवर्नमेंट ने नॉन स्टैट्यूटरी मल्टीमेंबर बॉडी क्रिएट करी तभी तो उसे नॉन स्टैट्यूटरी बोलेंगे मतलब आई कांट गेट योर क्वेश्चन मी आई डेफिनेटली रिप्लाई टू यू आज ही करूंगे रिप्लाई ओके okay? हैप्पी मिश्रा आई कैन टेक हिस्ट्री एंड कल्चर डेफिनेटली आई केन टेक हिस्ट्री एंड कल्चर वंस वी कम्प्लीट दिस वी विल मूव टू अट आई विल ट्राई कम्प्लीटिंग इट ओके हेडक्वार्टर्स की बात कर रहे हैं हेडक्वार्टर्स हम डिस्कस uh, करते हैं आगे मैं सब बताने वाली हूँ डेली में है कहाँ है ये सब हम डिस्कस करेंगे ओके जस्ट वेट ओके तो अब ये देखो ये अरे ये देखो ये एक टेबल अगेन टेबल फॉर्म में है याद करने में आसानी रहेगी ओके okay? एनसीएससी के मेंबर्स एंड एन के मेंबर्स चेयर वाइस चेयर एंड मेंबर्स एनसीएससी की बात करें तो प्रेजेंट चेयर का नाम देख लो विजय सांपला वाइस चेयर अरुण जी है हमारे एंड हमारे अगर मेंबर्स की बात करें तो रामनाथ पारधी एंड अंजू बाला इसके बाद हम बात करें एनसीएस की तो हर्ष चौहान देखो यार इसी टेबल को दिमाग में बिठा लो ओके okay, अभी मैंने तीन नाम तुम्हारे सामने पड़े ये मेरे दिमाग में ये फोटो बैठ चुकी है विजय सांपला अर्जुन अंकल और रामनाथ अंकल बाला मैडम ये तीन हो गए एनसीएससी एनसीएसटी एंड एनसीबीसी इसके बाद यहाँ पे चेयर की बात करें तो हर्ष चौहान जी आ गए वाइस चेयर की जो पोस्ट है वो यहाँ पे एनसीएसटी के, के केस में वेकेंट है ओके okay? एनसीबीसी की बात करें तो भगवान लाल सहनी जी साहनी जी बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे एंड वाइस चेयर की बात करें तो लोकेश कुमार प्रजापति आपके लिए इम्पोर्टेंट ज्यादातर चेयर ही है वाइस चेयर भी याद हो जाए तो अच्छी बात है मेंबर्स की उतनी जरूरत नहीं है अब देखो हम बात करते हैं एन स्टार्ट करने वाले हैं तो वाइल स्टार्ट एन एनसीबीसी <laughs> की हम बात करते हैं तो मंडल केस जजमेंट आया था एक मंडल केस का जजमेंट आया था 1992 में 92 में ये जजमेंट आया था ये जजमेंट यहाँ पे मैंने ऐसा का ऐसा सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि एक परमानेंट और स्टैट्यूटरी बॉडी बनाओ एक परमानेंट और एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाओ विच इज रिलेटेड टू योर लॉ रिलेटेड टू योर लॉ मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब हमेशा बताती हूँ मैं तुमको कि लॉ से बनी हुई है लॉ से रिलेटेड है किसी कानून से आई है. Okay? तो है ये बनाऊ टू एग्जामिन कम्पलेन काय की कंप्लेन अंडर इंक्लूजन ओवर इंक्लूजन और नॉन इंक्लूजन अंडर मतलब कम ओवर मतलब ज्यादा नॉन मतलब नहीं किसके इंक्लूजन की बात हो रही है ऑफ एनी क्लास ऑफ सिटीजन ऐसे कोई भी क्लास ऑफ सिटीजन आर इन द लिस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेज वो क्लास ऑफ सिटीजन्स जो बैकवर्ड क्लासेज की लिस्ट में है उनके अगर कम इंक्लूजन है ओवर इंक्लूजन है या नई इंक्लूजन है इन सारी कंप्लेन से जो बॉडी डील करेगी ऐसी एक बॉडी बनाओ ये किसने बोला सुप्रीम कोर्ट ने बोला किसको बोला सेंट्रल किस गवर्नमेंट को बोला किस केस में बोला मंडल केस जजमेंट में बोला ऑफ 1992 1992 के इस उसमें इस जजमेंट में ये बोला गया ओके okay? इतना समझ आया <laughs> स्टैट्यूटरी बॉडी प्रियंका मैंने बताया है कि ऐसी एक बॉडी जो कि एक स्टैट्यूट से बनी है यानी कि एक लॉ से बनी है यानी कि, कि किसी कानून से आई है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है मतलब ये संविधान में प्रेजेंट नहीं है इसको एक लॉ से बनाया गया है यानी कि मान लीजिए अगर कल मैं सरकार बनाती हूँ ओके और मेरी सरकार ये बिल पास कर देती है कि हम सब पढ़ाई साथ साथ ही करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे और ये एक रूल बन जाता है यानी कि एक लॉ बना देती हूँ मैं ओके और ये हम अपने स्टडी साथ साथ को एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना देते हैं ये क्योंकि एक लॉ से आया ये जो लॉ मैं बना रही हूँ तो ये जो स्टडी साथ साथ हो जाएगा ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाएगी यानी कि हमने एक लॉ से बनाया है क्योंकि ये संविधान में मैंशनड नहीं है इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं रहेगी ये स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाएगी ओके इसके बाद हम बात करेंगे इसके बाद हम बात करेंगे ये तो आपका मंडल केस का जजमेंट हो गया हंड्रेड एंड सेकेंड अमेंडमेंट ये मैं फिर से पहले भी अभी डिस्कस कर चुकी हूं प्रोवाइड कर दिया एनसीबीसी को हंड्रेड एंड सेकेंड अमेंडमेंट जो कि रिसेंटली आया हुआ है ओके okay? रिसेंटली आया हुआ है सो दिस इज रिलेटेड टू योर एनसीबीसी एनसीबीसी की हमने बात करी ओके नाउ वन थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू यहाँ पे इतना समझ आ गया कि नहीं आ गया बोलो <clears throat> इतना समझ आ गया कूल वेरी कूल एंड नाउ यू नीड टू फोकस हियर कि एनसीबीसी से रिलेटेड आपके लिए एक चीज जो इंपॉर्टेंट हुई वो मैंने आपको बताया कि आर्टिकल थ्री थर्टी एट बी आर्टिकल थ्री थर्टी एट बी इंपॉर्टेंट हुआ बैकवर्ड क्लासेस के लिए एनसी बी सी के लिए इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया किस जजमेंट में मंडल केस का जजमेंट विच केम एज अ रिट पिटिशन राइट नहीं है ये रिट पिटिशन इन इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया तो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में के अंडर एक रिट पटिशन आई थी उस पिटिशन से रिलेटेड जो जजमेंट दिया गया था मंडल केस का जजमेंट उसमें मैंने आपसे जो डिस्कस किया अभी पहले मंडल केस का जजमेंट वो था ओके okay? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनहैंस्ड दी एनसीबीसी एक्ट इन होगा ये एनहैंस नहीं होगा इनैक्टेड दी एनसीबीसी एक्ट ये और याद रखो एनसीबीसी एक्ट कब आया 1993 में आया 1993 में आया ओके दिन टू इफेक्ट इन एप्रिल नाइनटीन सबसे पहली चीज दूसरी चीज फिर से फाइव मेंबर बॉडी है तीसरी चीज फाइव मेंबर में चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन और तीन मेंबर्स हैं कभी नहीं भूलोगे यार okay? लोग रेजिग्नेशन किसको देते हैं प्रेसिडेंट को देते हैं ओके okay? टेन्योर की बात करते हैं इनका टेन्योर कौन डिसाइड करता है इनका टेन्योर फिर से प्रेसिडेंट डिसाइड करता है प्रियंका बी फॉर बैकवर्ड थ्री थर्टी एट डेफिनेटली रिलेटेड टू एनसीबीसी ये सारी चीजें हो गई आपके रिलेटेड टू एनसीएससी एन सी एस टी एंड एन सी बी सी ना बिफोर वी मूव ऑन टू अ फ्यू क्वेश्चन मैं तुम लोगों को यहाँ पे कुछ फैक्ट्स यहाँ पे डिस्कस कर देती हूँ ओके तो हमने जब तीन टाइप ऑफ बॉडीज डिस्कस करी जब हमने तीन टाइप ऑफ बॉडीज डिस्कस करी उन तीन टाइप्स में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल देखा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल देखा और स्टैट्यूटरी बॉडीज देखी ये तीन तरीके की बॉडीज देखी ओके okay? आपको ये ध्यान रखना है कि एनसीएससी एनसीएसटी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज थी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ओके राज यादव आई कांट अंडरस्टैंड क्वेश्चन। मंडल कमीशन किससे रिलेटेड मंडल कमीशन किससे रिलेटेड बोल रहे हैं आप ओके okay, डाउट पूछ लेना बिकॉज कुछ लैग आ रहा है यहाँ पे तो जब तक मैं तुम्हारे क्वेश्चन को पढ़ूंगी तब तक बहुत देर हो जाएगी तो आई विल रिप्लाई टू यू ऑन मेल और कुछ दिक्कत होगी तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर दूंगी तुम सबको ओके okay? तो ये चीज हो गई यहाँ पे कुछ फैक्ट्स देखो यहाँ पे मैं तुम लोगों को फैक्ट्स बता देती हूँ एक जो फैक्ट तुम लोगों को यहाँ पे डिसाइड डिसाइड uh, बोल रही हूँ जो याद रखने हैं वो ये याद रखना है कि एनसीएससी यानी कि आपके शेड्यूल कास्ट वगैरह वगैरह से रिलेटेड कास्ट वगैरह से रिलेटेड की अगर हम बात करें तो एक आपको ध्यान रखना है पूना पैक्ट पूना पैक्ट विच वॉज बिटवीन महात्मा गांधी एंड अंबेडकर अंकल गांधी और अंबेडकर अंकल के बीच में जो पूना पैक्ट आया था इसको आपको याद रखना है बिकॉज इट डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस ये डायरेक्टली आपके एन सी एस सी एंड एन सी एस टी से रिलेटेड है इसकी हिस्ट्री में पूना पैक्ट भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओके okay? ये चीज हो गई अब अपार्ट फ्रॉम दिस अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करें तो देखो एक चीज याद रखो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन वुमेन के लिए नेशनल कमीशन अच्छा एक टेबल ही बना देते हैं यहाँ पे ये इतनी गंदगी क्यों करनी है ओके नेशनल कमीशन फॉर विमेन की अगर बात करें तो दैट वाज स्टैब्लिश इन नाइनटीन टू नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज की अगर बात करें तो ये आया था आपका नाइनटीन नाइनटीन ओके इसके बाद एन की बात करें तो एनसीबीसी मैंने आपको बताया अप्रैल 1993 एंड वन थिंग अगेन विच वॉज इन 1993 वाज योर एन एन एच आर सी तो शायद तुम लोग पढ़ चुके हो एन एच आर सी वॉज ऑल्सो फॉर द ईयर नाइनटीन नाइनटी थ्री ईयर सीधे पूछता है ईयर Is the class having any problem? हेलो हेलो वेर आर यू यहाँ पे बहुत नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं आई एम अनेबल टू टेक अ क्लास एंड काफी क्लास रुक रही है Okay. ऑल क्लियर दिक्कत तो नहीं है अब पूरा फोन का डेटा खत्म करा दो आज मेरे तुम लोग लुक्स गुड परफेक्ट आई एम सो सॉरी फॉर इट ओके आई एम रियली वेरी सॉरी मे बी कुछ इंटरनेट इशू आ रहा है ठीक है सो so, जो ये फैक्ट्स हैं फैक्ट्स को देख लो नेशनल नेशनल कमीशन कमीशन फॉर वुमेन आई सेड 92 uh, 93 में फॉर माइनॉरिटीज जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि हिंदुइज्म को छोड़कर हिंदुआइज को छोड़कर सारे आपके बाकी रिलीजन जो इंडिया के हैं वो माइनॉरिटीज मै में आ ही जाते हैं ओके okay, पहले जेन्स को भी इंक्लूड नहीं किया जाता था हिंदू के साथ बट देन क्योंकि उनको हिंदुइज्म का पार्ट कंसिडर करते थे बट अब जेन्स भी माइनॉरिटीज का पार्ट है ओके एनसी बी सी बता दिया एनएचआरसी की बात कर दी मैंने आपसे एनएचआरसी वाज आल्सो 1993 इसके बाद एनसीपीसीआर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एन इसका ईयर याद रखो टू जैसे ये एनसीपीसीआर एकदम अलग है ना वैसे इसका ईयर भी एकदम अलग है दो ओके नेशनल कमीशन फॉर विमेन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज फॉर बैकवर्ड क्लासेज एंड एनएचआरसी ओके इतना हो गया इतना हो गया नाउ वी विल बी डूइंग अ फ्यू क्वेश्चन एंड उसके बाद ये खत्म बिकॉज अब तुम लोगों को सब आता है यू पीपल नो एवरीथिंग एंड कुछ चीज जो अगर मिस आउट हो गई होगी या मे बी कुछ क्वेश्चन के फॉर्म में होगी वो तुम्हें क्वेश्चन के फॉर्म में नीचे मिल जाएगी उसको एज अ फैक्ट याद कर लेना उसको एज अ फैक्ट याद कर लेना सिंपल सी बात है ठीक है तो क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो तो कूल cool करो आगे बढ़ते हैं बिकॉज देन एज पर अक्षत एंड एज एज पर बाकी सबकी डिमांड्स हम लोगों को काफी सारी चीजें कंप्लीट करनी है एंड यूनिट्स पूरे कंप्लीट करने हैं ओके वी विल बी स्टार्टिंग विद इट कूल करो जल्दी आगे बढ़ते हैं वेरी कूल सो ह्योअर कम्स योर फर्स्ट क्वेश्चन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एनसीएससी वॉज स्टैब्लिश्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्लीज गलत करो इसको प्लीज सब लोग गलत करो इसको एनसीएससी कब स्टैब्लिश किया गया था करो करो गलत करो अब तुम लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है इस क्वेश्चन को देख के कि यार ये क्यों ही पूछा गया है मतलब मतलब हमसे क्या ये ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग ये क्वेश्चन सही करके आएंगे राइट right? लेकिन यही चीज अगर क्लास के पहले पूछी गई होती तो नहीं पता होती मतलब जिसने नहीं पढ़ा है उसको नहीं पता होती तो नाउ इट इज लाइक यार ये क्या पूछ लिया हमारे स्टैंडर्ड नहीं है क्या कोई सो द आंसर दीबडी इज गिविंग इज आर्टिकल थ्री थर्टी एट नाउ टेल मी ओह ये तो यही आ गया क्वेश्चन विच ऑफ दिस इज नॉट मैच्ड करेक्टली नेशनल कमीशन फॉर विमेन नाइनटीन नाइनटी टू माइनॉरिटीज का नाइनटीन नाइन्टी थ्री बैकवर्ड क्लासेस कमीशन टू थाउजेंड टू एंड एनसीपीसीआर दो हजार सात नाउ टेल मी वॉट इज द करेक्ट आंसर तान्या सविता राज फराज सिकेश वैशाली थोड़ा स्लो आराम से बाकियों को भी करने दो यार फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी नहीं चलानी है यहाँ पे आकाश वेरी गुड प्रियंका गुड द आंसर इज एन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इसका ईयर क्या है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का ईयर क्या है ये तो गलत है ईयर क्या है उसका बताओ अभी बताया यार थोड़ी देर पहले नेक्स्ट, नेक्स्ट मूव ऑन चेयरमैन बता दो चेयरमैन करता है का 93. Good, 93, पिछले वाले का सही आंसर दिया तुम लोगों ने अब बताओ चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है मैं अपॉइंट कर दूं नन ऑफ द फॉलोइंग कर दें यहाँ पे कनुप्रिया कर देते हैं कनुप्रिया अपॉइंट्स

डेफिनेटली इट सिक्स अमेंडमेंट याद हो गया क्लास में ही तुम लोगों को सब याद हो गया है वॉट इज द हाउ लॉन्ग इज द टेन्योर ऑफ द चेयरमैन बताओ चेन्यू uh, चेयरमैन का टेन्योर एन सी एस टी के चेयरमैन का टेन्योर कितना लंबा है एबीसीडी जल्दी बताओ एबीसीडी जल्दी <coughs> स्मार्ट हो गए हो तुम लोग वेरी गुड इट इज दी नॉट फिक्स इट इज डिसाइडेड बाई द प्रेसिडेंट वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के आर्टिकल 330 से 342 तक किससे डील करता है किससे डील करता है स्कूल स्पिरिट वेरी गुड सही आंसर दिया है आपने चलो कितने हु स्कूल स्पिरिट इट इज नॉट थ्री इयर्स इट इज नॉट फिक्स्ड मैंने बताया इट इज प्रेजेंटली थ्री इयर्स बट इट इज डिसाइडेड एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट न इतना इतना डिटेल्ड ऑप्शन दिया है यार तो वही सही होगा ना ओके थ्री थर्टी से थ्री फोर्टी टू की बात करें स्मार्ट टीचर्स स्मार्ट स्टूडेंट्स वेरी गुड ओके सो सेवेंथ का आंसर सेवेंथ का आंसर भी डी हो गया ये मैंने भी पढ़ाया था क्लास में घर जाके एक बार नोट्स पढ़ लेना कोई जीवन में तुमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो तुम गलत नहीं करके आओगे उसके बाद ओके नेक्स्ट क्वेश्चन एथ क्वेश्चन की बात करो विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ट्रू पूछा ट्रू रिगार्डिंग एन सी एस सी एन सी एस सी शेड्यूल्ड कास्ट से रिलेटेड विच ऑफ दिस इज ट्रू एथ क्वेश्चन का आंसर दीजिए एथ क्वेश्चन का एथ का आंसर इज डेफिनेटली यू ऑल आर राइट इट इज ए हमें पता है ये 2001 नहीं है ओके okay? हमें पता है कि दैट इज एनसीएससी इज नॉट टू थाउजेंड वन तो ये टू तो गलत हो गया टू गलत हो गया मतलब ऑल ऑफ अबव गलत हो गया टू एंड थ्री गलत हो गया बचा ए और बी वन एंड थ्री थ्री में क्या गलत है एट्टी एथ अमेंडमेंट है क्या नहीं तो हमारा आंसर हो गया ए नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर बोलो नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर बोलो जल्दी कमीशन हैज द पावर ऑफ अ क्रिमिनल कोर्ट डज इट नो इट डज नॉट विच मीन्स वन ही अगर गलत है तो वन गलत वन गलत ऑल तो हो ही नहीं सकता तो अपने आप आंसर एक स्टेटमेंट जानने से सिर्फ एक स्टेटमेंट जानने से तुमने क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया ओके यू जस्ट न्यू वन स्टेटमेंट मैंने नीचे के स्टेटमेंट पढ़े भी नहीं मेरे को सिर्फ इतना पता था कि क्रिमिनल कोर्ट नहीं इसके पास सिविल कोर्ट की पावर है अपने आप आंसर आ गया ओके नेक्स्ट वी हैव टू होम द कमीशन सबमिट्स एनुअल रिपोर्ट रिपोर्ट पे इतना बड़ा डिस्कशन किया था एनुअल रिपोर्ट किस में किसको सबमिट की जाती है कमीशन अपनी एनुअल रिपोर्ट किसको सबमिट करता है प्रेसिडेंट डेफिनेटली नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन इज डिफाइंड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नाउ दिस इज समथिंग जो मैंने नहीं दिया तो अगर वो वहां पे छूट गया है तो वो या प्रेसिडेंट अंकल को वेरी गुड आकाश प्रेसिडेंट अंकल को तो शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन किस पार्ट में डिफाइंड है किस पार्ट में डिफाइंड है अगर ये हमने नहीं पढ़ा है तो देखो ये चीज इस क्वेश्चन से कवर हो जाएगी ये एक हमारे लिए एक नया पॉइंट एक नया फैक्ट आ गया ओके okay? ये नया फैक्ट आ गया इट इज इलेवेंथ का आंसर पार्ट सिक्सटीन डेफिनेटली यू ऑल आर करेक्ट पार्ट सिक्सटीन तो जिनको नहीं पता था वो एक चीज लिख लो कि पार्ट सिक्सटीन जो है संविधान का सोलवा पार्ट जो है दैट डील्स विद योर शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन वहां पर डिफाइंड है ओके शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन वहां पे डिफाइंड है ओके okay. इसके बाद ये फोर्टींथ क्वेश्चन छोड़ दो मुझे चलो बताओ प्रेजेंट चेयरमैन कौन है प्रेजेंट चेयरमैन कौन है अभी तुम लोग को एक चार्ट में समझाया था डब्बा बना बना के समझाया था बताओ प्रेजेंट चेयरमैन कौन है बताओ यार बता ही नहीं रहे हो तुम लोग <coughs> यहां पे बताया था मैंने तुम्हें देखो चेयरमैन ऑफ द कमीशन एनसीएससी के चेयरमैन की बात करी थी हमने विजय सांपला वैशाली वेरी गुड ओके विजय सांपला तुम लोग सी किसका आंसर दे रहे हो पता नहीं किसका ही आंसर दे रहे हो मैं तुमसे प्रेजेंट चेयरमैन पूछू तुम नुक पूछ सी सी कर रहे हो प्रेजेंट नहीं है ये अपडेटेड ही नहीं रहते हो कथेरिया अंकल जा चुके हैं कथेरिया अंकल पहले थे कथेरिया अंकल चले गए हैं प्रेजेंट चेयरमैन की बात हो रही है विच इज विजय सांपला अभी बताया ओके देन टेल मी द डेट टेल मी द डेट नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट वाज स्टैब्लिश व्हेन एनसीएससी आपका कब स्टैब्लिश किया गया था जल्दी करो ओके okay, सो so इसकी डेट नेशनल कमीशन शेड्यूल्ड कास्ट विस्ड व्हेन इसकी डेट है नाइनटींथ फरवरी उन्नीस फरवरी दो हजार चार ओके तो दो चीज जो नई हमको यहां मिली क्वेश्चन से वो ये मिली एक हमने देखा पार्ट सिक्सटीन और दूसरा हमने देखा नाइनटींथ फरवरी दो हजार चार ओके तो दीज वर योर मुझे नहीं लगता तुम में से एक ने भी कोई क्वेश्चन गलत किया है हार्डली ऐसे लोग होंगे जिनने पंद्रह में से शायद एक या दो क्वेश्चन गलत किया होगा तो बाकी सब आ गया अब ट्राइब्स पे आओ नेशनल शेड्यूल ट्राइब कमीशन कब सेटअप हुआ था नेशनल शेड्यूल ट्राइब कमीशन कब सेटअप किया गया था ये बताइए शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन की बात कर रही हूं मैं ध्यान से बिल्कुल तान्या सिंह वेरी क्विक रिया शर्मा गुड दैट इज 2004 दैट इज 2004 ओके okay? अब हम बात करेंगे चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एट प्रेजेंट अब बताओ इन चारों में से है कि कोई और नाम है उनका जो भी नाम है मुझे नाम बता दो डी बता दो या नाम बता दो <coughs> और जो नहीं बता पा रहे हैं उनके लिए एनसीएसटी हर्ष चौहान यहां पे ले आते हैं हम ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन टेन्योर कितना है फिर से वेट नहीं करते अब टेन्योर का ठीक है नॉट फिक्स्ड प्रेसिडेंट डिसाइड करता है अब पूछा कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा अमेंडमेंट है विच हेज लेड टू द ऑफ अ कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब बताओ हर्ष चौहान अंकल हमारे मामा जी के भाई ठीक है ऐसा समझ लो इसका अगेन आंसर तुम्हारा शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का सिक्सटी फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिक्सटी फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया चलो फिफ्थ का आंसर दो और सिक्स का आंसर दो लिखो ऐसे फाइव के आगे आंसर लिखो फिर लिखो सिक्स और उसके आगे आंसर लिखो दोनों का आंसर तुम लोग बताओगे फिफ्थ एंड सिक्स का आंसर जल्दी फिफ्थ का आंसर बी बी क्या है ओनली टू थ्री थर्टी एट क्योंकि ट्राइब से नहीं डील करता है वेरी गुड दिस बिकम्स रॉन्ग दिस इज सही फिफ्थ इज बी वेरी गुड सिक्स्थ का क्या है सिक्स्थ का क्या है राज रिया निकिता आकाश आई डोंट एक्सपेक्ट यू पीपल टू डू दिस रॉन्ग नो बाकी सब जिनने सही दिया है साधना इट्स नॉट डी द दिक्कत का आंसर इज नॉट डी आई टेल यू वाई बी और डी में लोग लड़ रहे हैं नाउ द क्वेश्चन इज कि यहाँ पे थ्री नहीं है ये क्यों गलत है थर्ड इज नॉट करेक्ट फॉर द फैक्ट कि एनसीएसटी को इसको एनकरेज नहीं करना है इसको डिस्करेज करना है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को एंड करना था रिड्यूस करना था एंड एंड करना था एनकरेज नहीं करना है शिफ्टिंग कल्टीवेशन की प्रैक्टिस को इट्स गुड कि यहां गलत किया अब एग्जाम में गलत नहीं करना एक वर्ड का खेल है इस सेंटेंस और इस पूरे क्वेश्चन में इट इज नॉट रिलेटेड टू एनकरेजिंग बट इज रिलेटेड टू उसको एंड करना सो द आंसर इज इट कनेक्टेड नाउ ओके सो क्लास इज ऑलमोस्ट ओवर हमने ये चीजें देख ली है एन सी एस सी एन सी एस टी और एनसी बी सी हमने कंप्लीट कर लिया है नेक्स्ट क्लास में हम लोग uh, वो करने वाले हैं विजिलेंस कमीशन एंड इंफॉर्मेशन कमीशन ओके विजिलेंस कमीशन एंड इन्फॉर्मेशन कमीशन एंड पीपल हु आर न्यू एंड माइड बी वॉचिंग दिस चैनल वॉचिंग दिस वीडियो ये जस्ट फॉर देम कि इफ यू लाइक इट एंड इफ यू वांट टू स्टे अपडेटेड एंड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल इज बाय द नेम नॉलेज आर ओके ये ज्वाइन करो और कोई भी डाउट हो तो ई कर सकते हो मुझे वी विल बी मीटिंग सून इन वन एंड हाफ आवर्स आई होप यू ऑल इंजॉयड इट सी यू सून बाय और मे बी अगर मेरा वाई फाई नहीं चल रहा होगा तो क्लास में फिर रात